तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। हमने प्रायद्वीपीय भारत मतलब भारत के पठारी भाग को देख लिया है जो कि प्रायद्वीपीय भारत के रूप में था। अब हम बात करते हैं यहाँ के बृहत मैदान की मतलब प्लेन्स की। तो देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, ये बृहत मैदान है। तो आप देखिए किसके किसके बीच में है, प्रायद्वीपीय भारत, ये यहाँ तक के नीचे प्रायद्वीपीय भारत और ऊपर क्या है पर्वतीय भारत, इसके बीच का पार्ट है ना। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ तक माउंटेन यहाँ तक आ जाता है और ये यहाँ तक इसका प्रायद्वीपीय भारत। तो बीच का जो पार्टी है तो उसका हो गया लोकेशन। ठीक है देखिए यहाँ पे लिखा है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मैदान है जो तीन देशों में बटा हुआ है। भारत हम जानते हैं, बांग्लादेश यहाँ पे देखिए डेल्टा बनाता सुंदरबन डेल्टा तो यहाँ है, और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे कि इधर से जो आप ये दुआ पढ़ेंगे ना तो सिंधु सागर और चर्च के ज्यादातर जो शहर है वो पाकिस्तान में। आप देखेंगे तो आप जो दो आ मतलब आप कहते हैं इसको नदी को, और दो मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं दो आब। तो आप मैप में अगर देखेंगे तो सिंधु सागर और चर्च और रचना ये यहाँ पे देखिए दो आप बनाती हैं, तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। हमारा भी आता है थोड़ा बहुत पार्ट लेकिन ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान के पास है। तो ये इस तरीके से तीन जगह बटा हुआ है तीन देशों में, क्षेत्रीय विस्तार आपने देख लिया है। अब इसको देख लेते हैं कितने सेक्शन में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान। गंगा का मैदान भी तीन में बटा हुआ है, पंजाब का मैदान भी बटा है ठीक है, लेकिन गंगा मैदान हमको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि हम खुद गंगा प्लेन्स में है, यूपी की बात हो रही है ठीक है। ऊपरी मध्य निचली, और जो गंगा मैदान है वो दो समोच्च रेखा द्वारा बटा हुआ है, कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस क्या करती हैं, सेम ऊंचाई की जगह को बताती हैं। तो दो समोच्च रेखा द्वारा ये बटा हुआ है, दो दो जगह पार्ट करेंगे, दो जगह कट करेंगे तो तीन पार्ट बनेंगे है ना। तो वही चीज ये बोल रहा है, 100 मीटर कंटूर लाइन एंड 50 मीटर कंटूर लाइन, ये हम गंगा मैदान पे आराम से समझेंगे क्या कैसे। अब हम बात करते हैं इसका, किसका, राजस्थान का। देखिए राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान का पहले तो आप लोकेशन क्यों, मैं कहती हूँ ज्योग्राफी में बहुत कुछ लिखने पे आ जाएंगे तो बहुत कुछ है, ऐसे ही देखिए आप लोकेशन दे दीजिए इस क्षेत्र में ये कौन सा क्षेत्र आता है। देखिए राजस्थान थोड़ा सा उसमें आता है ना कर्क में, तो राजस्थान में अगर कर्क रेखा आ रही है तो इसका मतलब वो उष्ण में है, तो उष्ण और उपोष्ण में है, वेस्ट साइड में है, भारत के पश्चिम भाग में है, और यहाँ पे वर्षा भी कम होती है। कितनी वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर असम वर्षा रेखा वो इसको अलग करती है। यहाँ के वेस्ट में लूनी नदी निकलती है जो कि इसी दलदल में मतलब गिरती नहीं है, जमीन दो हो जाती है मतलब जमीन में ही चली जाती है, और इसके ईस्ट में थोड़ी बहुत मतलब एग्रीकल्चर का और थोड़ी बहुत क्या जो भी होता है ईस्ट में होता है, तो उसको क्या कहते हैं रोही, रोही जमीन उसको बोलते हैं। और यहाँ पे ज्यादातर जो भी एलिगेशन है वो आप देख रहे हैं वर्षा बहुत कम है, 25 सेंटीमीटर ही है। तो जो भी कृषि है किस पे आधारित है, कैनाल पे, एरिगेशन कैनाल पे। आप जानते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल से गंगानगर और ऊपर और साउथ में यहाँ अच्छी मतलब खेती हो जाती है उसी की, जस्ट बिकॉज ऑफ कैनाल ठीक है। और इसका इतिहास आप बता दीजिए, इसका इतिहास क्या है। देखिए 1 लाख वर्ष पूर्व ये छिछला सागर था जिसे हमने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ेंगे मेरे वीडियोज में, कि टेथिस से जब वैगनर आप पढ़ेंगे तो बताएंगे हम, टेथिस सागर का जो महासागर था वो इस क्षेत्र में बटा हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो आज भी हमें दिख रहा है, छिछला सागर जो है क्या नमक की झीलों के रूप में। तो वो आप इसका थोड़ा सा इतिहास बता देंगे, और ये फिर उसके बाद क्या होता है, जब झील है तो सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ मतलब अवसादन हुआ, डेलिटिफिकेशन हुआ मजबूत हुआ, उसके ऊंचे होने की वजह से ये आपका प्लेस बन गया। ये आप थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी जो वाद ग्रोडिंग यहाँ पे स्थल आकृति आप दिखा दीजिए। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ की जो जलवायु है शुष्क है, शुष्क मतलब यहाँ पे एयर एक्टिव है, एयर इसलिए है कि देखिए एयर में अगर ह्यूमिडिटी होगी
तो ह्यूमिडिटी जहां पे बारिश हो जाती है वहां पे धूलकण उड़ना बंद हो जाती है ना, तो ये धूलकण फिर नहीं उड़ पाएगी बारिश हो जाएगी, और अगर एयर में ह्यूमिडिटी है तो कैसे खींचेगी, पहले से उसके पास है वाटर, तो यहाँ पे वाटर की कमी है इसलिए धूल कण को अपने साथ उठा ले जाती है। या आप देख सकते हैं कि मरुस्थल में आप जाएंगे तो धूल भरी यात्रियां चलती रहती हैं, तो इसलिए शुष्क है, पानी नहीं है उसमें। तो यहाँ पे जो भी स्थल आकृतियां बनेंगी वो वायु द्वारा बनेंगी, पवने बनाएंगी, ये भी आप जियोमॉर्फोलॉजी में आगे पढ़ेंगे, खैर यहाँ भी पढ़ लीजिए। तो क्या क्या स्थल आकृतियां हैं, वाद द्रोड़ी मतलब डिफ्लेशन बेसिन, बालू का स्तूप, ठीक है, बरखान, छत्रक शिला, मशरूम का ट्रॉग, और ये आर्दंग, आर्दंग मतलब रैबिट स्पिट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो हवा होती है दोनों तरीके के वर्क करती है, इरोजनल भी डिपोजिशनल भी। देखिए डिपोजिशनल में लोयस वगैरह बालू का स्तूप बनता है, ठीक है। वाद द्रोड़ी क्या बनता है, वाद द्रोड़ी जब उठाता है पवन कहीं से कोई जगह से जब धूल उड़ा लेगी तो वो गड्ढे धुआं संरचना बन जाएगी, तो उसको वाद द्रोड़ी कहते हैं। ये इतनी बात आपने यहाँ पे समझ ली, एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है, वर्षा कितनी हो रही, सारी बात आप अच्छे से समझ लीजिए, एरिया दिखा दीजिए, रटने जैसा कुछ नहीं है, प्लीज रटिए नहीं, चीजें समझिए, इसीलिए मैंने अच्छे से देखिए यहाँ पे बना दिया है। अब हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा मैदान की, पंजाब हरियाणा मैदान। तो आप देखिए यहाँ पे पंजाब हरियाणा मैदान की अगर हम बात करें तो इसकी उत्तरी सीमा कौन बना रहा है, शिवालिक रेंज, ठीक है, और कितने कंटूर लाइन है, 200 मीटर, ठीक है, कंटूर लाइन है मतलब समोच्च रेखा इसको अलग करती है शिवालिक से। इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो थार डेजर्ट है, ठीक है, और इसके ईस्ट में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके ईस्ट में आप जाएंगे तो दिल्ली मिलेगा, लेकिन फिर भी कौन सी नदी बना रही है बॉर्डर, यमुना नदी। पश्चिम में देखिए, पश्चिम में आप जाएंगे पंजाब से पाकिस्तान मिलता है तो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, और वहां पीए वर्षा की बात अगर करें पंजाब हरियाणा मैदान में तो 50 सेंटीमीटर वर्षा है एवरेज। यहां पर भी आप देखिए वर्षा बहुत ज्यादा नहीं है, है ना, क्योंकि ये वेस्ट में पड़ता है, इसके कंपैरिजन में ये वेस्ट में है। हाँ, इसके यहाँ पे जैसे जाएंगे आप देखेंगे तो वर्षा इसलिए थोड़ी इससे ज्यादा है कि थोड़ा सा शिवालिक का इसका फुटहिल्स पड़ जाता है, और यहाँ पर भी एरिगेशन कैनाल के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। देखिए सतलज नदी पे बंधा है भाखड़ा नागल बांध, सबसे बड़ा बांध है और सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से ये पंजाब हरियाणा मैदान की जीवन रेखा के रूप में है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो सबसे ज्यादा यहीं पे इफेक्ट हुआ, देखिए क्यों, उसका कारण है बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ये और कैसे अलग है, ये और यमुना सतलुज जल विभाजक से वाटर डिवाइडर उससे पृथक है, और यहाँ का जो ढाल है पश्चिम की तरफ है, आप समझ सकते हैं कि नदियां इधर गिर रही है, देखिए यहाँ गिर रही है अरब सागर में, ये सिंधु की सारी सहायक है, आप यहाँ से देखिए रिवर सिस्टम भी आप पढ़ लेंगे, ये अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें थोड़ी सी चीज और आपको समझना है कि जब हम इसकी बात करेंगे पंजाब हरियाणा मैदान की, तो दोआब, जैसे पंजाब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का, आब मतलब नदी का भाग, और पांच है तो पंजाब, पांच नदियों का, तो आप इसके बीच बीच में देखिए ये पूछ सकते हैं, तो सिंधु सागर जो दोआब है वो कहाँ है, सिंधु और झेलम के बीच में। चच दोआब इसके नाम में देखिए लिखा हुआ है, और आप ऐसे फिगर याद कर लीजिए, आपको बनाना सीख जाएंगे ना, देखिए सा नीचे आ रहे हैं, सहसा नीचे आ रहे हैं, तो सिंधु सबसे ऊपर रहेगी क्योंकि सिंधु में मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। सतलज झेलम हम आइडिया लगा लेंगे कि जम्मू कश्मीर में निकलती है तो झेलम नीचे आती ही नहीं है, तो झेलम सबसे ऊपर हो गई। चेनाब रावी ब्यास बिल्कुल इसके पास है ना, ये सतलज पास ब्यास, ऐसे करके आप इसे बना लीजिए, और ये चीज दिमाग में रखिए आगे रिवर सिस्टम में भी बहुत जगह आपको काम आने वाला है। तो सिंधु सागर हो गया, चल देखिए झेलम और चेनाब दोनों के नाम पहले ले लिए गए, उससे बनाए गए रचना दोआब किसके बीच में है, चेनाब और रावी, बारी दोआब देखिए रावी और ब्यास, यहाँ पे देखिए गुरदासपुर और अमृतसर बसे हुए हैं, आप मैप में देखेंगे आपको दिखेगा, बीच दोआब ब्यास और सतलज, यहाँ पे कौन सी सिटी है, जालंधर, पंजाब के बांगल को चोस कहते हैं जो कि वेटलैंड है। अच्छा ये बांगल क्या होता है,
देखिए सबसे पहले तो आप पर्वतीय क्षेत्र से जब उतरेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र नहीं पढ़ाया है पर्वतीय भारत, उसके बाद जब आप उतरेंगे तो मैदान में भी डायरेक्ट आपको फर्टाइल लैंड नहीं मिलती है, वो भी एक सीरीज के वन बाय वन करके मिलती है। कैसे देखिए, सबसे पहले मिलता है क्या, भावर। भावर क्या है, फिर मिलती है तराई, फिर बांगर, फिर खादर। अच्छा देखिए, मान लीजिए ये शिवालिक रेल है, उतर रही है, तो जब ढाल मंद पड़ेंगे तो यहाँ पे मोटे मोटे कण जो है वो इकट्ठे, फिर छोटे बड़े, फिर ऐसे करके जो भी छोटे बड़े सब दोनों मिला के होते हैं, ये क्या हो गया, ये भाबर हो गया। जस्ट फुटहिल्स के नीचे, शिवालिक की फुटहिल्स, ये शिवालिक है यहाँ पे, जब ढाल पे नीचे आएंगे तो ये सब लुढ़कते 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 यहां तक के, जहां तक मंद ढाल रहेंगे, समतल जमीन नहीं आ जाती, वहां तक गिरेंगे। और नदी भी तो इसके साथ चली, लेकिन नदी इसको पार तो कर नहीं पाती क्योंकि ये पथरीली है, तो ये नीचे नीचे रहती है, जमीन के नीचे रहती है, लेकिन ये नदी दिखती नहीं है, लेकिन वेजिटेशन अच्छे होते हैं इसी के सहारे, जड़ के सहारे। ठीक है, ये देखिए यहां पे आके तराई में नदी दिख, क्योंकि ये जो रॉक्स है ना ये बंद हो जाते हैं, अब ये तराई में तर दिखता है क्योंकि नदी दिखने लगती, तर से ही तराई आया है, तर है ये देखिए, ये आप सारे क्षेत्र देख सकते हैं। इधर लखीमपुर साइड का जो एरिया है, ये लखीमपुर के साइड का एरिया तराई में आता है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है वहां पे, ये तराई है। इसके बाद आता है बांगर, मोटी मोटी बालू की, फिर आता है खादर। अच्छा बांगर खादर में क्या समझिए, जब पहले कभी इन सब का निर्माण हो रहा था तो नदियों का लेवल ऊपर था, ठीक है, यहां तक था, तो नदियां अपने साथ अवसाद लाती थी, ठीक है, तो सब जगह आता था, लेकिन समय के बाद नदियां हो गई नीचे, हमारे जलवायु परिवर्तन वगैरह और बाकी चीजें होती है आप समझ रहे हैं, तो जब नदियां यहां आ गई तो ये वाले जो मिट्टी और कंकड़ रह गए थे, जो अवसाद नदियां लेके आई थी, ये इनके जसारे जो भी कार्बनिक मैटर थे वो तो बह बह के निकल गए, और एक समय के बाद इनकी क्वालिटी घट गई, इनमें बचा क्या, सिर्फ कैल्शियम के डिपॉजिट्स बचे ही है, तो ये पथरीली जमीन हो गई, आखिर पत्थर ही तो बन गया, ठीक है, तो ये तो हो गई कंफर्टाइल। लेकिन यहां नदियां हर साल आ रही है जा रही है, बाढ़ आ रही है तो ऊपर आ जाती फिर जा रही है, तो ये लगातार बनी रहती है, इसीलिए बांगर को कहते हैं पुरानी जलोड़क, मतलब जलोड़ मतलब जो जल अवसाद आए पुराने पुराने वाले, और जो नए हैं वो लगभग हर साल बाढ़ के रूप में और पानी के साथ अवसाद आते रहते हैं, तो बहुत फर्टाइल होती है। ये ऐसे देखिए चलिएगा, समझ के तो आपको याद रहेगा, इसमें समझ जाएंगे तो याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो इसी बांगर को, भाई ये भी तो क्षेत्र यहाँ पे बांगर पड़ रहा है उनके पास, पंजाब हरियाणा के पास, तो वो बैड लैंड है यहाँ की, ठीक है। फिर हम देखते हैं मालवा मैदान की बात कर लेते हैं, तो पंजाब का ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ठीक है, घग्गर नदी इसकी सीमा बनाती है, ईस्टर्न सीमा घग्गर नदी बनाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मालवा मैदान पे पटियाला और फिरोजपुर सिटी है, ये सब चीजें पूछते हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी भी स्टार्ट कर चुकी है ऐसे पूछना, तो अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है। अब देखिए कि ये वाला मैप अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे करिए, शिवालिक रेंज बना दिया, फुटहिल्स और शिवालिक दिखा दीजिए, ये थोड़ा सा जल विभाजक है तो आप ऐसे कोशिश करिए बनाने की, ठीक है, ये क्या है, यमुना सतलुज जल विभाजक, इसको दिल्ली कटक भी बोलते हैं, दिल्ली कटक, जो कि अब कम हो गया कटक, यमुना सतलुज विभाजक, और ये मैदान है, ये बीच का, इधर का वेस्ट का, ये दिल्ली इसके ईस्ट में है, तो आप ऐसे बना लेंगे, अच्छा फिर दिखा देंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब एक मालवा मैदान और घग्गर यमुना मैदान, घग्गर यमुना मैदान क्या है, देखिए हरियाणा का ये दक्षिणी भाग है, ठीक है, पूर्व में दिल्ली है पहले से जानते हैं, पश्चिम में थार है, भिवानी बांगर क्षेत्र है, ये यहाँ पे क्या है, भिवानी सोनीपत और हिसार नगर है यहाँ पर। तो देखिए ये तो आपकी इतनी बात हो गई, अब हम चलते हैं गंगा पे, गंगा मैदान पे, ठीक है।
किस पे चलते हैं? गंगा मैदान पे। तो चलिए आइए गंगा मैदान देख लेते हैं। और गंगा मैदान फिर से तीन रूप में बटा हुआ है, जिसको हम ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा के नाम से जानते हैं। और इसको कौन अलग कर रहा है? देखिए 100 मीटर कंटूर लाइन और 50 मीटर कंटूर लाइन, दो लाइनों से तीन भाग में बढ़ गया है। ये निचली गंगा है, ये मध्य गंगा है और ये ऊपरी गंगा है। ऊपरी गंगा से क्या मतलब, ऊपरी नाम क्यों है? क्योंकि ये समुद्र तल से सबसे ऊंचा है। ठीक है, सबसे ऊंचा कौन है? सहारनपुर। अगर पूछा जाए गंगा मैदान का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है, तो सहारनपुर है। और सबसे निचला कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, जस्ट 10 मीटर के आसपास होगा पश्चिम बंगाल। कहते हैं ऊपरी गंगा की, आप देखिए यहाँ से ये गंगा रिवर उतर रही है, शिवालिक से आते हुए नीचे उतर गई। और बरेली के पास आप देखिए रामगंगा मिल रही है। तो रामगंगा कहाँ की रिवर है? रामगंगा यहीं की रिवर है, सबसे ऊपरी गंगा की। और ये रुहेलखंड मैदान बनाती है, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली आदि आते हैं। और ये सर्वाधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र भी हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी स्थलाकृति बनती है, संरचनात्मक सोपान। क्योंकि जब रिवर नीचे उतरती है तो ऐसे 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 करके नीचे उतरती है, तो ऐसी संरचना बनती है। दूसरा है अवध मैदान, 150 मीटर से कम है इसमें और 100 तक है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे अवध मैदान। और ये है रुहेलखंड मैदान और 100 से जस्ट पीछे, मतलब यहाँ तक 150 तक वो होगा अवध के। ठीक है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक है। ये देखिए, अब हम मध्य गंगा की बात कर लेते हैं। मध्य गंगा मैदान कहाँ तक है? मध्य गंगा मैदान है ये, यहां से देखिए 100 मीटर का टू लाइन कट गई है और 50 मीटर के बीच में जितनी भी है ये क्या है? मध्य गंगा। मध्य गंगा में कौन कौन सी नदियां उतर रही है? देखिए इधर से गोमती, घाघरा, सरयू और इधर सोन, आगे जाके गंडक, कोसी, ये हो गए। ठीक, तो कहां से कहां तक है देख लीजिए। इसमें आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिथिला का मैदान, मगध का मैदान, सारण का मैदान, ये बिहार का है। यूपी में बात करें हम बनारस से लेके भागलपुर तक, भागलपुर की इसकी अंतिम सीमा है। क्योंकि बिहार का भागलपुर ऐसा जिला है जो वेस्ट बंगाल से शेयर करता है, जस्ट वेस्ट बंगाल में नदी आ जाती है। कौन सी? गंगा नदी। गंगा नदी जब यहाँ मिल जाती है तो वेस्ट बंगाल की सारी नदियां मिलती है। देखिए फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, वेग कम हो जाता है, धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे चलते चलते देखिए यहाँ पे कौन कौन सी स्थलाकृति बना रही है, विसर्ग मतलब मिएंडर, बील, गोकुर झील, वितरिका। वितरिका का मतलब क्या है कि नदियां कई ब्रांच में बढ़ गई, इधर उधर धीमी पड़ गई हैं, तो कहीं भी जहां जगह पड़ रहा है वहां पे जाते जाते फिर सागर में गिरती हैं, तो कई ब्रांचों में बढ़ जाती है, अंततः ये नीचे गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। ये डेल्टा है, तो डेल्टा क्या है, जो भी फर्टाइल लेकर आ रही है मिट्टियां वो यहीं पे छोड़ के नीचे गिर जाती है तो डेल्टा बन जाता है। तो इसका सबसे खास बात देखिए ये क्या है, बीच में हम यहाँ पे आ गए हैं, ये असम मैदान में है बीच में, यहाँ पे इसके जस्ट आगे ऊपर की बात करेंगे। ये तो निचली है, निचली में चली जा रही है गंगा, तो इसमें ये सारी चीजें बनाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ गंगा की वो भाग देख लेते हैं जो असम मैदान में है। असम मैदान देखिए पूर्वी हिमालय और मेघालय के बीच में है, रैम्ब घाटी जो कि असम में है, रैम्ब घाटी इसकी खास विशेषता है। ठीक है, और नदीकृत द्वीप जो है मांजुली द्वीप असम मैदान में ही पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा और मैंग्रोव वनस्पतियां। तो मैंग्रोव के बारे में क्या खास बात है कि मैंग्रोव के बारे में बहुत पूछा जाता है। देखिए मैंग्रोव ऐसी वेजिटेशन है कि खारे पानी में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर लेती है, कितनी भी और इतनी उनकी जो जड़ें होती हैं मजबूत होती हैं, कितना भी आंधी तूफान आए वो टूटती नहीं है। और मान लीजिए वो जड़ से टूट गई तो भी सर्वाइवल होती है, तैरते तैरते ही वो अपना ब्रांचेस देती हैं। और इनमें क्या होता है कि जो इनके बीज गिरते हैं, जब इनके बीज पानी में गिरते हैं तो उन्हें जड़ मिलना चाहिए, तभी वो अंकुरित होंगे, अंकुरण तभी फूटेगा उसमें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें खास बात यह है कि वो पानी में तैरते तैरते बिना जड़ के भी अपनी पत्तियां निकाल लेते हैं। इसीलिए खास बात होती है, मैंग्रोव वेजिटेशन को पढ़ाया जाता है। और खारे पानी में हर तरीके से सरवाइव कर लेते हैं, और अगर ये खड़े रहेंगे तो बहुत सी चीजों का हेल्प करेंगे।
ज्वार हटा रहा है, तरंगे आ रही हैं, तूफान आ रहा है, सब चीजों को रोक लेंगे, मृदा अपरदन नहीं होगा। तो इसलिए ये खास चीज है सुंदरबन डेल्टा मंजुली द्वीप। किसकी विशेषता है? देखिए असम मैदान में सुंदरबन डेल्टा पूरी तरह नहीं है, वो हल्का सपाट आपको दिखता है, बाकी वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में अच्छे से दिखता है। ठीक है, बील क्या होता है? बील वो क्षेत्र होता है जो थोड़ा सा लैंड है और लैंड में पानी भर गया है, इनको मिसक कहते हैं, मिएंडर। ये देखिए कंगन की तरह बना हुआ है, तो ये कंगनाकृत है। बाकी क्या है? कोई चंद्राकार है, कोई कुछ है। गोकुल झील क्या होता है? पानी जा रही है किसी लैंड को, ऐसे काट दिया तो झील बन गई। ये सब चीजें आप इसकी चिंता ना करिए, जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल आपने आज वृहद मैदान पढ़ लिया बहुत अच्छे से। देखिए दो रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया आपने, एक गंगा के बारे में और दूसरा सिंधु के बारे में। इसको आप अगर इसी तरीके से बना लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा तो बहुत ही इजीली समझ में आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। तो आइए आज हम घाट देख लेते हैं, तटीय प्रदेश देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो तटीय प्रदेश है वो दो तरह से बटा हुआ है, देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अलावा गुजरात में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए। तो आइए गुजरात को पहले आपको बता दें। देखिए ये गुजरात सबसे बड़ी तटरेखा शेयर करता है पूरे इंडिया में, तो हमें इसके बारे में पहले जान लेना चाहिए। ये देखिए क्या है, कच्छ का प्रायद्वीप है, ये काठियावाड़ कहलाता है और यहाँ पे गिर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, सुरेंद्र और ये मैदान भी इस पार्ट में मैदान है, और ये नदियों द्वारा ये जो है साबरमती माही ये यहाँ का सेडिमेंट लाके छोड़ देती है, तो गुजरात का ये फर्टाइल लैंड है। इसको व्हाइट डेजर्ट मतलब सफेद मरुस्थल भी कहते हैं, क्योंकि नमक है यहाँ पे, नमक की वजह से। तो हमारा जो ये गुजरात का जो तट है, देखिए क्या क्या कितने रूप में बटा हुआ है। दलदल, दलदल हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे सर क्रीक है, ये वाली पॉइंट जो है सर क्रीक है, एक बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान का। ठीक है, और द्वीप, द्वीप के रूप में देख सकते हैं, द्वीप यहां पर भी है, यहां पर भी है, और द्वीप यहां मतलब बहुत सारे द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप। मेन द्वीप हम देख लेते हैं, एक तो हमारा दादर नागर हवेली देख रहे हैं वहां पे है, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कोंकण तट, उसके दक्षिण, दादर नागर हवेली के दक्षिण से। तो द्वारिका द्वीप मान लीजिए पूछ ले कि किस तट पर है, तो अरब सागर तट पर है। ठीक है, द्वीप द्वीप काठियावाड़ पर है ये, और जो काठियावाड़ क्षेत्र है वहां पे काली मृदा के कुछ जमाव मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि देखिए जब आप इसे पढ़ेंगे, अभी वैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे क्रिटेशियस एज में ज्वालामुखी उद्गार हो गया था, मैग्मा इरप्शन, अभी आपने उसमें पढ़ा होगा जब पेनिनसुलर इंडिया आपने पढ़ाया था प्रीड्यूस, उसमें बताया था, तो वो पार्ट यहां तक भी आया है, जिसकी वजह से काली मृदा, उसी की वजह से काली मृदा बनती है। और काली मृदा हमारे किस काम में आती है? कॉटन के लिए, तो यहाँ पे इसीलिए गुजरात में कॉटन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इस मिट्टी को। पहाड़ी भी है, देखिए पहाड़ी गिर की, गिर नेशनल पार्क है यहाँ पे, और ये नदियां निकलती हैं साबरमती माही, लूनी तो देखिए यहीं पे आके खत्म हो जाती है, ये दलदलीय क्षेत्र में दलदल है। तो ये तो आपने पार्ट देख लिया गुजरात का, अब हम बात कर लेते हैं मेन हमारे तट जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की हम बात करने जा रहे हैं। हम अभी पश्चिमी घाट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि जो तटीय क्षेत्र है वो हमारे सबसे ज्यादा नवीन संरचना है। नवीन इसलिए है क्योंकि ये सबसे रिसेंट में बनी है, वो अभी आप जो पढ़ेंगे ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र तो हम आपको सब बता देंगे कहाँ कहाँ पे है। देखिए इसके बीच में है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, है ना, पूर्वी तट के लिए भी पश्चिमी तट के लिए भी। और ये क्या है, तटरेखा है, तो तटरेखा और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में है ये पड़ता, वो बात अलग है, कहीं सकरा है कहीं थोड़ा ज्यादा मोटा है। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं जिसे हम पश्चिमी घाट के रूप में, कहां से है, देखिए गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात मतलब वही तापी के मुहाने से, और ये दादर नागर हवेली के दक्षिण से लेके है। तो सबसे ऊपरी जो तट है उसको क्या कहते हैं, कोंकण तट, क्या कहते हैं, कोंकण तट, यहां तक है। देखिए 80 किलोमीटर चौड़ा है, चौड़ा मुंबई में ये ज्यादा चौड़ा है। ठीक है,
और 530 किलोमीटर ये लंबा है, इसकी लंबाई जो है यहाँ पे है 530। ठीक है, इसको थोड़ा मुझे लंबा बनाना चाहिए, ये देख लीजिए ऐसे। ठीक है, 530 किलोमीटर लंबा हो गया। और ये कहाँ से है देखिए, तापी से लेके गोवा तक, गोवा गोवा यहां कर लीजिए, गोवा तक ये है कोंकण तक। सीधे जी जी से याद कर लीजिए, गुजरात से गोवा, जी जी गुजरात से गोवा। ठीक है, ये तो आप क्या हो गया कोंकण तट। अब हम देख लेते हैं ये पूरी श्रृंखला जो है ना यहां से लेके यहां तक 1605 किलोमीटर की है। नॉर्मली 1600 किलोमीटर बोल देते हैं लेकिन 1605 किलोमीटर है यहां से यहां तक। तो कोंकण तट में देखिए कुछ एरिया ऐसे है जो तटीय है, मुंबई भी एक तट मतलब बहुत बड़ा द्वीप ही समझिए मुंबई को। और देखिए कोंकण पे रत्नागिरी है, इसके शहर का नाम है अलीबाग है, तारापुर है। यहां पे देखिए घाट पड़ रहे हैं, थाल घाट भोर घाट। तो जो थाल घाट है वो किससे किसको जोड़ता है, नासिक से मुंबई को, और दूसरा भी मुंबई से जोड़ता है लेकिन किसको, पुणे को, भोर घाट यहीं पे है, इसी कोंकण में है। ठीक है, अब आपका ये इतना हो गया, ये देख लीजिए 530 किलोमीटर लंबा है। सबसे जो ज्यादा चौड़ा ये कहाँ पे है, मुंबई में है, 80 किलोमीटर चौड़ा है। सबसे पतला देखिए ये है, ये वाला, अब हम इसी की बात करने जा रहे हैं। ठीक, कौन सा है, इसको किस नाम से जानते हैं, ये गोवा के दक्षिण से लेके मैंगलोर तक है, मैंगलोर मतलब कर्नाटक में, तो इसीलिए इसका नाम भी यही पड़ गया, कंकर केनरा कर्नाटक। ठीक तक, और यहाँ पे कोंकणी लोग हैं तो इसलिए उनके नाम पे कोंकण तट पड़ा है ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एरिया के हिसाब से इसका नाम पड़ा है कन्नड़ केरला कर्नाटक तक। देखिए सर्वाधिक सकरी पेटी है ये, आप देख रहे होंगे ना, यहाँ की पहाड़ियों के फुटहिल्स में क्या मिलते हैं, लेटराइट के नीचे जो बहुत टाइट हो जाती है, इससे कॉफी उगाई जाती है यहाँ पे। ठीक, आप देख रहे हैं कॉफी कैसे निकाली जाती है बाबा बुदान हिल से, और कौन सा एरिया है फेमस उसके लिए, चिकमंगलूर कॉफी के लिए। और मिट्टी देखिए क्या है, लेटराइट, इससे आप समझ रहे होंगे लेटराइट में क्या होता है, कॉफी होती है। और इसके जो कोस्ट पे एरिया बसे हैं वो क्या है, सारावती मैंगलोर। ठीक है, तो इतना आपने इसमें कर लिया। अब हम आगे चल के देखते हैं, नेक्स्ट कोस्ट की बात करते हैं। सकरा है मैंने बता दिया था 8 से 24 किलोमीटर तक, लंबा 525 किलोमीटर है। अब सबसे निचला जो है उसको कहते हैं मालाबार या केरल तट। ठीक है, ये देखिए यहाँ के तटीय भाग के नाम क्या क्या मान लीजिए पूछ ले, तब की अलपुज्जा कोल्लम अरनाकुलम। ठीक है, और यहाँ पे ही अष्टमुदी झील है, कयाल और लैगूंस इनकी विशेषता है क्योंकि यहीं पे नौका प्रतियोगिताएं होती हैं। आपने मूवी में देखा होगा शायद बागी में जो नौका प्रतियोगिता हो रही थी, वो कहाँ है, केरल कोल्लम की बात हो रही थी। ठीक है, और ये 550 किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे लंबा सबसे चौड़ा ये है मालाबार तट। सबसे इसकी निचली पहाड़ी देखिए क्या है, महेंद्रगिरी। यहीं पे जो मॉनसून में हमने आपको पढ़ाया था तो हवाएं टकरा के दो तरफ भाग जाती हैं, दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है, और महेंद्रगिरी के ऊपर क्या है, अनायगुड़ी। चलिए हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये केरल की। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, नीलगिरी हिल्स तीन जगह है, KKT से याद करिएगा, केरल कर्नाटक तमिलनाडु में। उसके बाद क्या है, अनाईमलाई, नीलगिरी हो गई, अनाईमलाई हो गई, अनाईमलाई के बाद हो गई यहाँ पे, अनाईमलाई में ही देखिए अनाईमुदी सबसे ऊंची हिल है, उसके नीचे है कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स मतलब इलायची की पहाड़ियां, किसके लिए फेमस है ये, इलायची की पहाड़ियां मसालों के लिए फेमस है। और यहाँ पे क्या होता है इलायची की पहाड़ियां में, देखिए दो चीजें यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहीं पे आप जब तमिलनाडु के साइड जाएंगे तो पालनी हिल्स पड़ेंगी जहां कोडाइकोनाल पर्यटक स्थल है, और दूसरा इलायची पहाड़ियों में ही साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी बोलते हैं, क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है कहाँ पे है, पेरियार रिवर उसी से निकलती है, तो किस लिए फेमस है ये,
बहुत सारे नेशनल पार्क भी है, इसलिए फेमस है कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यही है, होगी ही। आप इतना लगा लीजिए कि जीरो के सबसे पास कौन पढ़ रहा है। हमने आपको पहले बताया है ना, हर एक जब भी टॉपिक मिलता है हम बता देते हैं कि जब भी 23 से लेकर 23 के बीच में ही ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी। तो यहाँ पे इंडिया में अगर बात करेंगे तो केरल से ज्यादा तो नहीं है ना, 8 डिग्री के नियर अबाउट यही है, बाकी सब तो ऊपर हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा डायवर्सिटी यही होगी, ऐसे याद कर लीजिए। कयाल और लेगून क्या होते हैं? कयाल देखिए क्या होते हैं, वो भाग होते हैं जो पानी की वजह से कट जाते हैं और उनमें जल भर जाता है पीछे, ठीक, फर्स्ट जल बोलते हैं। लेगून भी वही पार्ट में तटीय पार्ट को काट देता है। तो ये तो आपने समझ लिया, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो यहाँ तक के आपने विस्तार देख लिया 1605 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत माला दूसरी है और पर्वत दूसरी है, वो मैं आपको किसी दिन इसके स्पेशल क्लास ले लूंगी, अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। फिलहाल अभी आप इतना देखिए कि उसको सह्याद्री पर्वत को अगर दो भागों में बांटते हैं तो उत्तरी सह्याद्री कहलाती है, एक दक्षिणी सह्याद्री कहलाती है, ठीक है। तो जो उत्तरी सह्याद्री है यहाँ पे जस्ट महाराष्ट्र, यहाँ पे ना कालसूबाई है, कालसूबाई सबसे ऊंची चोटी है इसकी, सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं पे महाबलेश्वर पर्यटक स्थल है, वहां से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। और इसके ईस्ट, इस पठार के ईस्ट पार्ट को विदर्भ कहा जाता है, मतलब यहाँ पे विदर्भ है, ये विदर्भ है, इस एरिया को विदर्भ कहते हैं, पठारी है, ये आपने पढ़ा ही था अभी पठारों वाले में, ठीक है। अच्छा, दक्षिणी की बात हम कर लेते हैं, दक्षिणी की बात करें तो ये तो उत्तरी हो गई, अब ये दक्षिणी हो गई। इसके बाद यहां से क्या स्टार्ट हो जा रहा है, नीलगिरी हिल्स, तो इनका डिविजन थोड़ा उत्तरी दक्षिणी का यहीं तक किया है। तो दक्षिणी की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख देखिए यहाँ पर, इसका इसकी क्या खास बात है, यहाँ के पोर्ट न्यू मैंगलोर से जो आयरन ओर है एक्सपोर्ट किए जाते हैं बेसिकली किसको, ईरान को, और ये जो कर्नाटक है आयरन ओर के डिपोजिशन में नंबर वन पे है, वो बात अलग है, वहां से निकल नहीं पाता है, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली, अब हम नीलगिरी पे आ जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए नीलगिरी आ गई, ठीक। अगर पूछे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप कहेंगे डोडा बेटा, इसकी नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। अगर कहें कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भी डोडा बेटा, ठीक। लेकिन पहली कौन सी है, वो नीलगिरी की नहीं है, वो अन्नामलाई की है, ठीक है। अन्नामलाई नीचे है इसके, नीलगिरी के अन्नामलाई हिल्स की ही सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुदी है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची नंबर वन पे दक्षिण भारत की चोटी है, और सेकेंड दक्षिण भारत की, और पूरे मतलब इसकी डोडा बेटा, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन है, अनाईमुदी, और डोडा बेटा फर्स्ट नंबर पे किसके है, नीलगिरी की, देखिए नीलगिरी की, ठीक है। तो आपको आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब आप यहां पे देख लीजिए क्या है, सबसे ऊंचे इसके ऊपर तो है नीलगिरी, नीलगिरी ठीक, उसके नीचे है अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे हाईएस्ट पीक नीचे ही है अनाईमुदी, और उसके नीचे है इलायची पहाड़ी मतलब कार्डमोम हिल्स, इसी में साइलेंट वैली है, पाले इसके ईस्ट में है, इधर आप जाएंगे तमिलनाडु पड़ जाएगा, ठीक है। एक इसमें दो आपके वो भी है पासेस, ठीक, एक तो है पालघाट, पालघाट ऊपर वाला है जो कि पलक्कड़ से कोयम्बटूर या कोचीन से कोयम्बटूर के पलक्कड़ भी है, ठीक है, को जोड़ती है, और यहाँ पे देखिए नीचे सिंकोटा, सिंकोटा गैप बोलते हैं इसको, ये त्रिवेंद्रम से मदुरई को मतलब तमिलनाडु को, तो ये बेसिकली क्या है, गैप पे है ये पर्वत। चलिए आपने इतना कर लिया, तो चलिए हम अपने पूर्वी तट की बात कर लेते हैं। पूर्वी तट बोला मैंने, पूर्वी घाट नहीं बोला, जबकि यहां से हम पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट दोनों बोल रहे थे,
क्यों? क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक के पश्चिमी तट भी है और घाट भी है और ये सतत श्रृंखला है, ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां से लेकर यहां पूर्वी तट तो है लेकिन पूर्वी घाट नहीं है, ठीक है। दूसरा कि ये सतत नहीं है, कटे फटे हैं, उसका कारण है कि नदियों की ढाल इधर गिरती डेल्टा बनाती है। तीसरी चीज, यहाँ की हिल्स इतनी ऊंची क्यों नहीं है जितनी की यहाँ की है? क्यों? मौसम में आपने पढ़ा था ना सबसे ज्यादा रेनफॉल ये लेता है ना, और यहाँ पे उतना रेनफॉल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां से लेकर यहां तक के। सबसे पहले देखिए ये वाला जो गंगा नदी मुहाना स्वर्ण रेखा उसी में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी मुहाना बेसिकली आप सुंदरबन डेल्टा को ले लीजिए, वहां से लेके महानदी के तट तक ये उत्कल तट आता है। देखिए ये दो खास बात है यहाँ पे, एक तो सबसे बड़ा ये क्या है, सुंदरबन डेल्टा बनाता है, सबसे बड़ा डेल्टा पूर्वी तट में ही है। दूसरा यहाँ की जो मैंग्रोव प्रजाति है, मैंग्रोव तो है यहाँ पर भी है, कच्छ के पास भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जहां जहां साल्ट होगा मैंग्रोव वहां पाए जाएंगे, लवणीय जल में होते हैं ये, तो लवण यहाँ पे जल में है और यहाँ पर भी है। क्यों? नदियां लेकर आएंगी तो अपने सेडिमेंट्स के साथ साल्ट भी छोड़ जाती है। तो यहाँ के मैंग्रोव जो है वो बहुत ज्यादा विस्तार में है, यहाँ कम है, ठीक है। ये बात आपने सीख ली, तो यहां से लेकर यहां तक और ये सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, आप जानते हैं। दूसरा हम देखते हैं महानदी से लेके पुलिकट झील तक, पुलिकट महानदी मुहाने से लेके पुलिकट झील तक। तो ये पुलिकट दो स्टेट में बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तो है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश। यूपीएससी ने शायद 2 साल पहले इसको प्रीलिम्स में पूछा था तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि पूरी तरह आंध्र प्रदेश में है नहीं। खैर अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक पुलिकट तक क्या है, उत्तरी सरकार, कलिंग, गोलकुंडा, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। और पुलिकट झील से लेकर यहां देखिए नीचे तक कहां तक, कन्याकुमारी तक, कोरोमंडल तक है। सबसे चौड़ा सबसे लंबा किलोमीटर यही है कोरोमंडल, 675 किलोमीटर और 100 एवरेज इसका क्या है, चौड़ाई है। ये तो बात हो गई आपके तीनों जो तट बटे हुए हैं। अब देख लीजिए कुछ खास बात, आंध्र मैदान जो भी है इसको हम बोल रहे हैं उत्तरी सरकार को, ये उड़ीसा के बहरामपुर से पुलिकट झील तक है, ठीक है। इसकी मुख्य आकृतियां क्या क्या है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, क्यों? क्योंकि इसे चावल का कटोरा कहते हैं और डेल्टा भी बनाती है, फर्टाइल मृदा है यहाँ पे, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है। और क्या खास बात है, और हाँ यहाँ पे गोंडवाना के निक्षेप है, कोयला यहीं से मिलता है इन्हीं बेसिन से। यहाँ पे पॉपुलर जगह क्या क्या है, कोल्लेरू झील आप जानते हैं, चिल्का झील ये भी लवणीय झील है, देखिए चिल्का झील, कोरिंगा, मछलीपट्टम, धमरा फोर्ट, टाटा दरवाई निर्माण किया जा रहा है, चांदीपुर, इसके बारे में तो आप आए दिन पढ़ते ही होंगे कि यहाँ से ये परीक्षण हुआ वो परीक्षण हुआ, नागरी हिल्स, भितरकनिका, भितरकनिका वो जो बड़े बड़े ऑलिव रिडले कछुए होते हैं वो यही पे उनका ये घर है भितरकनिका में। तो कौन से होते हैं वो, लवड़िए मगरमच्छ करके पूछते हैं, तो भितरकनिका में ही है। सबसे चंबल की घाटी के पास भी नदी में है, लेकिन चंबल नदी में भी बहुत है, लेकिन ये भितरकनिका में क्या होता है ना, साल्ट वाले ज्यादा है, नमक में जो रह सकते हैं नमक वाले पानी में, तो ये खास बात है यहाँ की। बाकी आप देखिए, चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। कोरोमंडल तट में आप जानते हैं कि ये जाड़े में वर्षा प्राप्त करता है शीतकालीन मानसून से। और यहां से देखिए सबसे नीचे क्या है, सिरुमलाई पहाड़ी, ये तमिलनाडु में है जो भी है। फिर क्या है, ऊपर जाएंगे नॉर्थ में पंचमलाई, उसके नॉर्थ में शेवराय, फिर सबसे नॉर्थ में जवाड़ी हिल्स, ये है यहाँ पे कोरोमंडल में और तमिलनाडु में। फिर हम ऊपर आते पुलिकट के जस्ट पास में, पूछ लिया जाए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते कि नागरी हिल्स कहाँ है, बता दें इनके पास है, कोरोमंडल तट के पास है, पुलिकट झील के पास है, तो आपको पता होना चाहिए पुलिकट झील के पास है, ठीक है। फिर क्या है, पारकोंडा, वेरीकोंडा, नल्ला माला हिल्स, महेंद्रगिरी, ये सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी तट की, सबसे ऊंची चोटी पूर्वी तट की ऊंची चोटी, ऊंची पीक है, ठीक है। फिर मलयागिरी, बाकी आप ऊपर तक समझ गए हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, पूर्वी तट,